अगर वफादार बीवी है, अल्लाह न करे तुझे ऐसा मर्ज लग गया कि पेशाब पखाने के लिए भी तुझे किसी की हाजत पड़ी, तो खुदा की कसम तेरा साथ कोई नहीं देगा। अगर तेरे पैखाने पेशाब के कपड़े धुलने की नौबत आई तो तेरी वफादार बीवी खड़ी हो गई। ये है असल जहेज, अगर वफादार है तो खड़ी होगी। अभी बात है, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ मैं। एक शादी किया, लड़की थी मनचली किस्म की, वही जींस पहनने वाली, वही इधर उधर घूमने वाली, दोस्ती फ्रेंडशिप वाली, लड़के से शादी हो गई। बीवी को लेकर के बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, लड़के के दोनों हाथ टूट गए, दोनों हाथ। डॉक्टर के पास गए लेकर के, लड़की भी गई, एक्सरे रूम में लड़के को लिया गया, दोनों हाथ टूट चुके थे। लड़का जब एक्सरे रूम से बाहर आया तो लड़की गायब थी। मालूम है क्यों गायब हो गई? भाग गई, चली गई, हाथ टूट गए, क्या करूंगी इसके साथ रह करके। बेकार है तुम्हारे वो जहेज किस काम के? अगर वफादार होती तो हाथ नहीं, अगर पैर भी टूट जाते तो खुदा की कसम तुझे बिस्तर पे बिठा बिठा के नहलाती भी, धुलाती, खिलाती भी, पिलाती भी। ये है असल तेरा जहेज। और तुम बैठे हो यहाँ, साफ दिल से बताना, ये है अगर वफादार बीवी है। कितने मर्दों को देखा कि उनकी किडनियां खराब हो गई, भाई भी पीछे हट गया, डॉक्टर ने कहा मर जाएगा, ये दोनों किडनी जवाब दे चुकी हैं, अगर ट्रांसप्लांट हो जाए कोई एक किडनी इसको दे दे तो मैं ऑपरेशन करके इसको किडनी चेंज कर दूंगा। भाई भी पीछे हट गया, बड़े करीबी दोस्त भी पीछे हट गए। लेकिन ऐसे वक्त में कितनी बीवियों को आज मैं तुम्हें उंगलियों तक गिना के बता दूंगा, आगे आके बोले डॉक्टर मेरा किडनी लेके मेरे शोहर को लगा दे। और कितनी शोहरों के लगे हैं किडनी उनकी बीवियों के। ये वफादार भी। अम्मी खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह परेशान ना हो ना खदीजा आपके साथ, मेरे नबी जब मक्का में निकलते लोगों मक्का के लोग छत पे खड़े हो के मेरे नबी को पत्थर मारते। एक रात मेरे नबी को इतना पत्थर मारा, रात का वक्त मेरे नबी को पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिया। अम्मी खदीजा का बयान है, जब घर में शाम में मेरे नबी वापस आए तो पूरे जिस्म से खून रिस रहा था। मक्का के लोगों ने पत्थर मार मार के इतना लहू लुहान कर दिया कि खून रिस रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे आका को अम्मी खदीजा ने देखा, या रसूल अल्लाह ये क्या हाल है का, इन लोगों ने जिनके लिए मैं दुआएं करता हूँ आज पत्थर मार के ये हाल किया है। अम्मी खदीजा करीब आई, मेरे नबी फरमाते हैं खदीजा ने कपड़ा निकाला, कपड़ा निकाल के उससे पट्टियां बनाई और मेरे जिस्म पर जहां जहां खून रिस रहा था वहां वहां अम्मी खदीजा ने अपने कपड़े से पट्टियां बांध दी, दूध गर्म करके लाई। रसूलल्लाह अगर कलेजा रखते हो तो मेरे नबी की बारगाह में अम्मी खदीजा ने दूध पेश किया, या रसूल अल्लाह गर्म दूध है पी ले। नबी ने फरमाया खदीजा क्या तुमने भी कुछ खाया है? मेरे नबी की बारगाह में दूध पेश किया और अम्मी खदीजा कई दिन के फाके से बैठी थी, कई दिन के फाके से गर्म दूध पेश किया। या रसूल अल्लाह कोई बात नहीं, खदीजा नहीं खाएगी तो कोई बात नहीं, या रसूल अल्लाह इस्लाम को मोहम्मद की जरूरत है, इन पत्थर मारने वालों को भी आपकी जरूरत है,
इन गालियां देने वालों को भी आपकी जरूरत है। ये दीवाना पागल कहते हैं मगर इन्हें भी आपकी जरूरत है। या रसूल अल्लाह दूध की जरूरत मुझे नहीं आपको है। लोगों यह है वफादार बीवी कई दिन के फाके से बैठी है लेकिन गर्म दूध करके मेरे नबी के लिए पेश कर दिया है। कुरान ने लिबास कहा है तो लोगों लिबास जहेज से नहीं पहचाना जाएगा बल्कि जब शादी करने के लिए निकलो तो देखो इसके अमल कैसे हैं। शादी करने के लिए निकलो तो देखो चलो चलन कैसे हैं। देखो वफादार है कि नहीं है भाई बहन के साथ वालिदैन के साथ। अगर इनके दांत साथ वफादार है तो फिर इंशाअल्लाह कल को तेरे साथ भी वफादार रहेगी। बहुत थोड़ी देर बस 5-10 मिनट और तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। मेरी तकरीर का टाइम मुकम्मल हो गया, बस मैं तकरीर खत्म करूंगा। और आपने बहुत अच्छा सुना, बड़ा कामयाब जलसा, बहुत कामयाब जलसा। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। लोगों नेक बीवी बहुत कीमती असासा है, खुदा की कसम बहुत कीमती असासा। ये जो जुमले मैंने बोले हैं ये कोई जुमले वो नहीं, ये बड़ी दिल से मैंने गुफ्तगू की है आपके सामने, बहुत दिल से गुफ्तगू की। अम्मी खदीजा के मकाम को समझो। इस्लाम जो आज तुम्हें मिला है इसमें अम्मी खदीजा का बहुत बड़ा अहम रोल है। हम जिक्र नहीं सुनना चाहते, जिक्र नहीं होता। मक्का की एक औरत का बहुत बड़ा रोल है जिसका नाम खदीजतुल कुबरा है। हाय हाय हाय, लोगों जरा गौर तो करो, कहां मक्का की सबसे अमीर थी और जब नबी से निकाह फरमा लिया तो कई कई दिन के फाके से बैठी है। बच्चों करें आप, हमने कभी ये नहीं देखा कि जिससे मेरा निकाह हो रहा है उस मेरी होने वाली बीवी को वजू भी आता कि नहीं आता, गुसल भी आता कि नहीं आता, ये पूछा ही नहीं। ज्यादा पूछते तो ये पूछते एमए किया, बीए किया, कौन से कॉलेज से किया, तेरी डिग्रियां किस काम की है तो बता।